पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर हमला हुआ। हमले में एक कार्यकर्ता की मौत हुई और 8 लोग घायल हुए। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर प्रदर्शन। टीएमसी पर नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा है। जेपी नड्डा ने की हाईकोर्ट के फैसले की तारीफ और कहा, हमारे संविधान में साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता है आरक्षण। फैसले में ममता की असहमति गलत है। साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो। जिस मुस्लिम लीग के एजेंडे के कारण भारत का विभाजन हुआ, उसी को फिर से आगे बढ़ाने का काम ये सारा घमंडिया गठबंधन कर रहा है। पुणे हिट एंड रन मामले के बाद एक्शन। महानगर पालिका ने गैरकानूनी बने होटल, पब और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई करवाई और 54 जगहों पर छापा पड़ा है। गैरकानूनी होटल पर बुलडोजर चला। शहजाद पूनावाला का राहुल गांधी के बयान पर पलटवार, कहा, पिछड़ों के खिलाफ व्यवस्था का कर्णधारा था गांधी परिवार। तेजस्वी यादव के वीडियो पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का हमला, कहा, 2019 में जनता ने आपको कैसे मिर्ची लगाई थी, एहसास है ना। मिर्ची लगा रहे थे, जनता लगातार आपको मिर्ची लगा रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर हमला, कहा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रैलियों में गुंडे उत्पात मचाते हैं, जब भी वे सत्ता में थे गिरराज्य की स्थिति को दर्शाता है। पार्टी प्रदेश में 80 कैसी सीटें जीत रही है, मोदी जी की बीजेपी की लहर चल रही है, जिस ढंग से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की रैलियों में उत्पात हो रहा है, गुंडे उत्पात कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि जब जब इस सत्ता में रहे होंगे तो क्या हाल प्रदेश का रहा होगा। गुंडों की गिरफ्त में प्रदेश को सौंपने का काम समाजवादी पार्टी की सरकारों में रहा है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा का नवीन पटनायक पर हमला, कहा, ये चुनाव ओडिशा के गौरव का चुनाव है। ये चुनाव उड़ीसा का अस्मिता का चुनाव है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बादल फटने से भारी नुकसान, लोगों के घरों में पानी घुसा, आफत की भयावह तस्वीरें सामने आई। पौड़ी में बादल फटने से भारी तबाही, जगह जगह सड़कों पर आया मलबा, लोगों की परेशानी बढ़ी। राजस्थान के भीलवाड़ा में गर्मी का कहर, सड़कों को ठंडा रखने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा। उत्तर प्रदेश के बलिया में मामूली विवाद में मारपीट, मारपीट के दौरान महिला समेत एक मासूम घायल, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। दिल्ली के रोहिणी मॉल के शोरूम में आग लगी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग पर काबू पाया गया, हादसे में एक महिला घायल हुई। मैक्सिको की चुनावी रैली में मौत का तांडव, स्टेज गिरने से 5 लोगों की मौत, 50 लोग घायल। कोलंबिया में आतिशबाजी कार्यशाला में भारी विस्फोट, धमाके में 21 लोग घायल हुए, कई की हालत गंभीर, आसपास की इमारतों की खिड़कियां भी टूटी। चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास शुरू किया, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ईस्टर्न थिएटर कमांड द्वारा संचालित ऑपरेशन में कई क्षेत्रों को लक्षित किया गया। अमेरिका के आयोवा में भयंकर बवंडर के बाद तबाही, तूफान के बाद घर और पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए, कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। आयोवा के बवंडर में कई लोगों की मौत की पुष्टि हुई, करीब 12 लोग घायल हुए हैं, तूफान के बाद दिखाई दिया मलबे का ढेर। आयोवा में आए बवंडर का ग्रीनफील्ड निवासी ने वर्णन किया है, बताया, तूफान के कारण ग्रीनफील्ड शहर तबाह हुआ, कई लोगों की मौत हुई। अमेरिका में एरिजोना मैक्सिको सीमा विधेयक के विरोध में प्रदर्शन, एरिजोना मैक्सिको को अवैध रूप से पार करने के विरोध में कामकाज भी बाधित रहा। इजरायली हमले में गाजा में 27 लोग घायल हुए, स्वास्थ्य आपूर्ति के लिए घायलों को बगदाद भेजा गया।